अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर सिक्स. एग्जाम्पल नंबर सिक्स में हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है, इन अ बुलियन अलजेब्रा बी प्रूव दैट. हमें ये दो रिजल्ट को प्रूव करके लेके आने हैं और एवरी एक्स बिलोंग्स टू बी दिया है. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फर्स्ट वन वाला जो इक्वेशन है उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स. ओके, अब देखो हम लोग x से शुरुआत करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए इजी रहेगा. आप x प्लस एक्स से भी शुरुआत कर सकते हो, बट यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रेफरेंस देंगे. तो x की जगह पे क्या हम x प्लस जीरो लिख सकते हैं? क्योंकि जीरो को प्लस करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता. क्लियर? अब देखो x हम लोग एज इट इज रखते हैं, बट क्या जीरो की जगह पे हम ऐसा रख सकते हैं कि x इंटू एक्स डैश, क्योंकि उसका मतलब तो यही होता है. क्लियर? तो ये हम लोग रख देते हैं प्लस x इंटू एक्स डैश. अब ये ब्रेकेट ओपन कर सकते हैं हम, क्या हो जाएगा x प्लस एक्स, और ये हो जाएगा यहाँ पे बीच में इनटू, ये हो जाएगा x प्लस एक्स डैश. क्लियर? ये x प्लस एक्स ना अभी हम लोग एज इट इज रहने देते हैं. अब हमें पता है कि x प्लस एक्स डैश करो तो कितना मिलता है, 1. तो इसकी जगह पे हम लोग 1 इंटू रख सकते हैं. अगर आप इन सबको इंटू 1 करो ना करो क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस एक्स. आप देख सकते हो कि हमने शुरुआत किया था x से और ख़त्म किया x प्लस एक्स से. अगर आप इससे शुरुआत करना चाहते हो तो आप रिवर्स मेथड से इससे जा सकते हो, तो आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हो, बट ये वाला हमारे लिए इजी रहेगा. ओके, सेकेंड वन हम लोग ट्राई करते हैं, x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स लेके आना है. सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी शुरुआत करेंगे हम लोग x से. तो x इज इक्वल टू हम लोग ऐसा रख सकते हैं कि x इंटू 1. क्लियर? क्योंकि आप x इंटू 1 करो तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम ये लॉ जानते हैं कि 1 की जगह पे x प्लस एक्स डैश रख सकते हैं. तो ये कैसा हो जाएगा, 1 x एज इट इज़, 1 की जगह पे हम ये लॉ रख रहे हैं x प्लस एक्स डैश. अब इसको ओपन करोगे तो कैसा हो जाएगा गाइस, x इंटू एक्स और x इंटू एक्स डैश, यहाँ पे बीच में साइन प्लस का है तो यहाँ पे भी प्लस. बट अगेन हम ये जानते हैं कि x इंटू एक्स डैश कितना होता है गाइस, 0. तो ये कैसा हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 0 ऐसा हो जाएगा. अगर आप किसी के भी साथ 0 प्लस करो क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं. तो इसका वैल्यू कैसा हो जाएगा, x इंटू एक्स. इट मीन्स कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड था वो इक्वालिटी पे आ गया है. क्लियर? नेक्स्ट वन एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7. हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, इन अ बुलियन अलजेब्रा बी प्रूव दैट. अब हमें यहाँ पे ऐसा प्रूव करना है कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 होता है और x इंटू 0 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड एवरी x बिलोंग्स टू b. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग शुरुआत करते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 के लिए. तो हम लोग 1 से शुरुआत करते हैं, तो क्या हम ये रिजल्ट जानते हैं कि 1 इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस एक्स डैश. तो 1 की जगह पे हम ऐसा रख सकते हैं कि x प्लस एक्स डैश. अब देखो x को ना अभी हम लोग एज इट इज रखते हैं, बट हम ये भी जानते हैं कि x इंटू 1 होता है x, और अगर ऐसा ही x डैश के लिए भी करें तो वो आंसर क्या होता है, x डैश. तो क्या इसके लिए हम लोग ये वैल्यू के लिए ये वैल्यू रख सकते हैं, यानी कि x डैश की जगह पे क्या रखेंगे, प्लस x डैश इंटू 1. क्लियर? अब देखो इसका ब्रेकेट ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो कि x प्लस x डैश इंटू x प्लस 1. ओके, अब x प्लस एक्स डैश अगेन हम जानते हैं कि इसका वैल्यू कितना हो जाता है गाइस, 1, और इंटू यहाँ पे ब्रेकेट में कितना है, तो कि x प्लस 1. हम जानते हैं कि 1 को इसके साथ इंटू करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये कैसा हो जाएगा, x प्लस 1. आप देख सकते हो कि हमने 1 से शुरुआत किया था और x प्लस 1 हमें मिल चुका. अब सेकेंड वन लॉ हम लोग प्रूफ करते तो वो कैसा है, तो कि x इंटू 0 इज इक्वल टू 0 है. यहाँ पे भी हम लोग सेम एज इट इज 0 से शुरुआत करेंगे, तो 0 की जगह पे हम लोग ये वाला वैल्यू रख सकते हैं कि x इंटू एक्स डैश. अभी ना गाइस हम लोग x को एज इट इज रखते हैं. अब देखो गाइस, x डैश इज इक्वल टू x डैश प्लस 0 ऐसा हो सकता है. क्लियर? क्योंकि 0 को प्लस करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम x डैश की जगह पे ऐसा रखते हैं कि x डैश प्लस 0. अब देखो इसका ब्रेकेट ओपन करो तो कैसा हो जाएगा, x इंटू एक्स डैश एंड x इंटू 0. क्लियर? और यहाँ पे बीच में साइन कौन सा रहेगा गाइस, प्लस का साइन रहेगा. अब देखो हमें प्रूफ करके लाना है कि x इंटू एक्स डैश हमें पता है ऑलरेडी कितना होता है, तो कि x इंटू एक्स डैश 0 होता है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस यहाँ पे बचेगा x इंटू 0. बट अब देखो 0 को इसके साथ प्लस करोगे ना करोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाने वाला है, तो कि x इंटू 0. आप हमारा जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू कंपेयर कर सकते हो, हमें इक्वल मिल चुका है.